शिखर और कविता रिजॉर्ट से निकलने के बाद बीच पर जाते हैं। रिजॉर्ट में हुए पूरे ड्रामे से शिखर और कविता दोनों ही डिस्टर्ब हो चुके थे। बीच पर जब दोनों भेलपूरी ले रहे होते हैं तब कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। शिखर गुंडों को पीट रहा होता है, तभी उनमें से एक कविता को पीछे से पकड़कर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है। मैं सच कह रहा हूं, आगे बढ़ा तो मैं इसकी गर्दन काट दूंगा, गुंडे की आवाज में हड़बड़ाहट होती है। इसमें कोई शक नहीं था कि वो डरा हुआ था। तुम्हें किसने भेजा है? शिखर ने गुस्से से गुंडे की तरफ देखते हुए कहा। लड़की को जाने दो, तुम कहीं भाग नहीं सकते। शिखर समझ गया था कि यह काम जरूर रिजवान का होगा, क्योंकि शिखर को बर्बाद और मार डालने की धमकी शिखर को रिजवान ने ही दी थी। उसके अलावा शिखर का कोई दुश्मन नहीं था, पर इस वक्त शिखर सोच नहीं पा रहा था कि कविता को कैसे छुड़वाएं। इसी बीच गुंडे के सर पर पीछे से वार होता है और गुंडा वहीं ढेर हो जाता है। शिखर देखता है तो वहां हाथ में रॉड लिए बबीता खड़ी होती है। गुंडे के ढेर होते ही कविता भाग कर शिखर के पास आ जाती है और शिखर की नजरें बबीता पर होती है। बबीता, तुम यहां कैसे? शिखर हैरानी के साथ पूछता है। उसे समझ नहीं आता कि बबीता को कैसे पता चला कि वो कहां पर है। मेरी छोड़ो, तुम ये हर बार मुसीबतें कैसे ढूंढ लेते हो शिखर, और ये लड़की कौन है? बबीता की समझ से परे था कि बार बार शिखर इतनी मुसीबतों में कैसे फंस जाता है। बहुत लंबी कहानी है, आराम से बताऊंगा, शिखर ने एक लंबी आह भरते हुए कहा। आराम करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास, ऑफिस में सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। किसी ने कंपनी के सर्वर्स को हैक करने की कोशिश की है। क्या? शिखर के पांव के नीचे मानो जमीन ही खिसक गई हो। शिखर कविता को बबीता के साथ छोड़कर चला जाता है और कहता है कि कविता को सही सलामत घर पहुंचा दे। ये कहकर शिखर वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। शिखर जल्दबाजी में ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस में दाखिल होते ही पूरी सिचुएशन का जायजा लेने की कोशिश करता है। क्या चल रहा है बॉयज? शिखर ने सीधा सर्वर रूम में घुसते ही सबसे पूछा। हमारे नए सर्वर्स जो हमने मोबाइल ऐप के लगवाए थे उसमें हैकर्स ने हमला किया है, और यही नहीं, उन्होंने आधा सिस्टम हैक कर लिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? शिखर ने उलझन भरी आवाज में पूछा। जवाब में चंद्रेश ने बताया कि अलग अलग जगह से दो हैकर्स ने हमला किया था और शिखर के सर्वर्स की फिलहाल स्थिति बहुत खराब थी। हमारी नई ऐप पर काम तक नहीं शुरू हुआ और ऐप लॉन्च तो दूर की बात है, आखिर हम उन हैकर्स का सामना कैसे कर सकते हैं? शिखर खुद से फुसफुसाते हुए बोला। नई एप्लीकेशंस को लॉन्च नहीं किया गया था और वो सर्वर्स जहां कंपनी का डेटा पड़ा होता है उन सर्वर्स को हैक नहीं किया गया था, बल्कि उन सर्वर्स को निशाना बनाया गया था जहां मोबाइल ऐप अपलोड होना था। शिखर सोच पा रहा था कि ये किसकी हिमाकत हो सकती थी। थोड़ा ध्यान देने के बाद शिखर का दिमाग मानो रोशनी की गति से दौड़ने लगा और तेजी से विचार बहने लगे। शिखर ने मन ही मन कहा, क्या वो आदमी इसके पीछे हो सकता है? पहला विचार रिजवान था और आखिरी भी। आज दिन में ही उसने रिजॉर्ट में रिजवान को नाराज किया था। शिखर जानता था कि रिजवान के बदले की भावना शांत नहीं हुई थी और अपना बदला पूरा करने के लिए रिजवान किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन शिखर को उम्मीद नहीं थी कि रिजवान इतनी नीच हरकत करेगा। शिखर के लिए विश्वास करना मुश्किल था कि रिजवान ने उस ऐप को रोकने के लिए जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी उसे हैकर्स की मदद से हैक करा दिया था, लेकिन अभी के लिए कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि ये काम रिजवान का है। इसका कोई सबूत शिखर के पास नहीं था, शिखर केवल अनुमान लगा रहा है। मैंने तकनीकी को जांच के लिए कहा है, आईपी एड्रेस को लॉक करने के लिए कहा है, मुझे विश्वास है कि हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि हैकिंग के पीछे कौन छुपा है, चंद्रेश ने शिखर की ओर देखकर कहा। अच्छा, शिखर ने अपना सर हिलाया और चंद्रेश से कहा कि कंपनी के सभी टेक्नीशियंस और साइबर सिक्योरिटी वालों को हमारी सारे सर्वर्स की सिक्योरिटी को डबल करने के लिए कह दो। सिक्योरिटी इतनी कड़ी होनी चाहिए कि दो क्या 200 हैकर्स भी कुछ ना कर पाए। चिंता ना करें, हमारी सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट करना इतना आसान नहीं है, चंद्रेश का लहजा आत्मविश्वास से भरा था। शिखर को अपनी कंपनी के टेक्नीशियंस और सिक्योरिटी वालों पर पूरी तरह से भरोसा था। वो जानता था कि किसी भी तरह की मुसीबत से निपटने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। इस घटना से हमें सीखना चाहिए कि चाहे हम कोई चीज कितनी भी सुरक्षित क्यों न बना ले, उसे तोड़ने का रास्ता हमेशा निकल ही जाता है। हमें बस ज्यादा से ज्यादा खुद को अपडेट रखना होगा, और हालांकि सिस्टम महत्वपूर्ण है पर हमें नेटवर्क सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना है, शिखर ने सबके बीच खड़े होकर कहा।
ऐसा लगता है कि हमें सिस्टम के लिए एक सुरक्षा का एक नया सेट बनाने की जरूरत है। चंद्रेश ने शिखर को सुझाव दिया। शिखर समझ गया और उसने चंद्रेश को थम्स अप दिखाते हुए ये कहा कि ये सब खत्म होने के बाद हम नए सिस्टम के लिए सुरक्षा का एक सेट बनाएंगे। इसके बाद शिखर चंद्रेश से आगे बोला कि जैसे ही चंद्रेश को हैकर्स का पता चलेगा, सबसे पहले उसे शिखर को इन्फॉर्म करना होगा। इसके बाद शिखर ऑफिस से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही शिखर लैपटॉप ऑन करके रिजवान एंटरप्राइजेस और रिजवान दारूवाला के बारे में इंटरनेट पर पढ़ता है। हालांकि शिखर को इंटरनेट पर ज्यादा कुछ नहीं मिलता। शिखर ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह रिजवान ही था जो इन सब के पीछे था। फिलहाल यह सिर्फ एक अनुमान था, शिखर अभी निश्चित नहीं था। वो सोचने लगा कि निर्णय लेने के लिए वो केवल इंतजार कर सकता था। फोन पर सब देखने के बाद शिखर ने कुछ फाइल्स खोल ली और उनमें कुछ ढूंढने लगा। कुछ 15-20 मिनट बाद चंद्रेश का दोबारा फोन आ गया। शिखर ने फोन उठाया और वो तुरंत बोला, क्या तुम्हें पता चला कि इन सबके पीछे कौन है? आखिर हमारे सर्वर को किसने हैक किया? दोनों हैकर्स का आईपी रिजवान एंटरप्राइजेस से आया है। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। शिखर का अनुमान एकदम सही था, रिजवान ही है जो ये सब करा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हमारी रिजवान एंटरप्राइजेस से कोई लड़ाई नहीं है तो फिर वो हमारे सिस्टम को हैक क्यों करना चाहते हैं? फोन के दूसरे छोर पर चंद्रेश शिखर से अपने मन के सवाल पूछने लगा। कल रिजवान के साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और इसलिए वो मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है, शिखर ने चंद्रेश का जवाब देते हुए कहा। ऐसा क्या हुआ था? चंद्रेश शिखर की बात सुनकर हैरान था। कल दोपहर में मैं इन्वेस्टर की तलाश में रिजवान से मिलने गया था और वहां पर मैं एक लड़की से टकरा गया। शिखर ने होटल में कल जो कुछ हुआ था वो सारी बातें चंद्रेश को बताई। कहानी सुनने के बाद चंद्रेश तुरंत शिखर की सारी बात समझ गया और बोला, सर आपने बिल्कुल सही किया, आप बिजनेस के फायदे के लिए गलत काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा लगा कि तुम भी यही सोचते हो चंद्रेश। शिखर ये जानकर खुश था कि चंद्रेश के ख्याल बाकियों की तरह नहीं थे और वो शिखर को अच्छे से समझता था। लेकिन अगर हम रिजवान को नाराज करते हैं तो मुझे डर है कि वो हमारे लिए बहुत मुसीबतें खड़ी कर देगा। आखिर रिजवान एंटरप्राइजेस बहुत पावरफुल है, चंद्रेश ने बताया। तुम्हें इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनसे निपटने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा। तुम कंपनी के मामलों पर ध्यान दो। शिखर ने यह बात समझाते ही फोन रख दिया। वो रिजवान से फिर से बात करना चाहता था। उसे रिजवान से कोई नफरत नहीं थी और वो चाहता था कि वो पहले बात करके इस बात को सुलह करने की कोशिश करे। शिखर इसके बारे में सोचते हुए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और रिजवान के ऑफिस के लिए निकल जाता है। रिजवान एंटरप्राइजेस एक बहुत बड़ी कंपनी थी। उसका कार्यालय भवन शानदार था। शिखर रिजवान एंटरप्राइजेस के हॉल में घुसता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे वहीं रोक देता है। कड़ी मेहनत के बाद शिखर अंत में ऑफिस के मेन हॉल में रिजवान से मिलता है। रिजवान अपनी डेस्क के पीछे हाथ में सफेद चाय का प्याला लिए बैठा था। उसकी आंखें शिखर को बहुत ध्यान से देख रही थी। मिस्टर रिजवान जी, शिखर ने आराम से रिजवान का नाम लिया और बहुत शांति से कहा, मैं आपका बहुत आदर करता हूं क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। अच्छा होगा कि हम कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार अच्छे से बात कर लें। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? रिजवान ने चाय का एक घूंट पिया और गंभीरता से शिखर की तरफ देखने लगा। मैं हम दोनों के बीच की लड़ाई खत्म करना चाहता हूं। शिखर दो कदम आगे बढ़ा और कोमल स्वर में बोला, मुझे उम्मीद है कि हम पुरानी सारी बातें भूल कर एक दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश आएंगे। क्यों, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? रिजवान के मुंह का एक कोना उठ गया और उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान दिखाई थी। रिजवान की राय में वो सोचने लगा था कि शिखर उनसे डरता था और इसलिए वो दुश्मनी को भुलाना चाहता था। मैं आपसे डरता नहीं हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब करना जरूरी है। हमारे बीच की लड़ाई किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। रिजवान ने अपनी उंगलियां अपने बालों में फिराई और वो बेतहाशा हंसने लगा। बहुत देर तक हंसने के बाद वो अपने आप को बोलने से रोक नहीं सका। शिखर, लगता है तुम मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मेरी ताकत से तुम्हें कुचलना चींटियों को कुचलने जितना आसान है। मैं मानता हूं आपका रिजवान एंटरप्राइजेस बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं शिखर हूं और इतने आराम से हार मान लेने वालों में से नहीं हूं।
आप इतनी आसानी से मुझे नहीं हरा सकते। मेरी नजर में तुम कुछ नहीं हो शेखर। रिजवान ने अपना प्याला नीचे रखा और एक मुस्कान के साथ कहा, मैं बस किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा हूं जो तुम्हारे सर्वर को खत्म कर दे और फिर चुटकियों में तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। आप रिजवान एंटरप्राइजेस के मालिक हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के गंदे तरीकों का इस्तेमाल करना तुम्हारी काबिलियत से बहुत नीचे है? शिखर, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। रिजवान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एक लंबी आह भरने के बाद वो बोला, विजेता हमेशा राजा कहलाता है और हारने वाला उसका दुश्मन कहलाता है। कब एक राजा अपने दुश्मन को किस तरह से हराता है वो जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरीके से हमारी कंपनी को नीचे ले जा सकते हो? शिखर थोड़ा निराश था। वैसे तो शिखर यहां झगड़े का अंत करने और सुलह करने आया था, पर रिजवान का रवैया देखकर शिखर सच में निराश हो गया था। शिखर के लिए समझना मुश्किल था कि आखिर रिजवान के लिए ये लड़ाई इतनी जरूरी क्यों हो गई थी। ये तो ट्रेलर था शिखर, आगे आगे देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। रिजवान ने धीरे से अपनी मुट्ठी बांधी और गंभीर आवाज में कहा, मेरे पास तुम्हें हराने के 100 तरीके हैं। रिजवान, आप उम्र में कितने बड़े हो, आपके पास इतना अनुभव है, आपकी कंपनी का इतना नाम है, क्या ये बचपना करते हुए आप अच्छे लगते हो? शिखर अब रिजवान के व्यवहार से इरिटेट हो गया था। मैं तुमसे यहां सीखने के लिए नहीं बैठा हूं। रिजवान ने अपना हाथ जोर से मेज पर पटका, तुम यहां से जा सकते हो। शिखर ने रिजवान को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु रिजवान के अड़ियल रवैये से अब शिखर को सिर्फ गुस्सा आ रहा था। शिखर की समझ के परे था कि इतना अनुभवी इंसान इतनी बेवकूफी कैसे कर सकता था। शिखर ने पूछा कि अगर इस लड़ाई से कुछ हासिल हो पाएगा, जिसके जवाब में रिजवान कहता है कि शिखर को बर्बाद करके उसे बहुत संतुष्टि मिल जाएगी। क्या सच में तुम सुलह न करके मेरे साथ सिर्फ लड़ना चाहते हो? शिखर के अंदर अब और धैर्य नहीं बचा था। ठीक है, मैं नहीं लड़ूंगा तुमसे और सुलह कर लूंगा, बस एक छोटा सा काम करना होगा तुम्हें। तुम्हें अपने घुटने टेकते हुए मुझसे माफी मांगनी होगी और इसके बाद मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं। क्या शिखर अपने घुटने टेक कर रिजवान के सामने अपनी हार कबूल कर लेगा? क्या शिखर और रिजवान के बीच जारी रहेगी जंग? जानने के लिए सुनते रहिए